करेंगे और 10 और इसी बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। डबल इंजन सरकार ला रही सुखद बदलाव। मैं एक मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा हूँ, मैं इतने पैसे कहाँ से करता अगर मेरे पास इनकम नहीं होता तो। ये जो स्कीम चलाई है सरकार ने बहुत अच्छी है। हिमाचल प्रदेश सरकार की हिम केयर योजना न होती तो आज किशोर अपने पैरों पर खड़े न होते। चंबा जिले के सांच गांव के निवासी हैं किशोर कुमार। करीब एक साल पहले उन्हें कुल्हे में दर्द उठा तो चलने फिरने में असमर्थ हो गए। डॉक्टर ने बताया कि कुल्हे ऑपरेशन करके प्लेट पड़ेगी, इसका खर्च तो लाखों में आएगा। ये सुनकर किशोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे लत की पीड़ होती थी, एक साल पहले का होती थी। जब मैं चंबा आया तो मेरे को डॉक्टर साहब ने बोला कि आपका ऑपरेशन होगा। मेरे पास हिमकेयर कार्ड बना हुआ था। डॉक्टर साहब, मेरा जो इलाज हुआ है ऑपरेशन का, जो भी खर्च आया है वो कातगरी सारा सरकार ने किया है। वो तो भला हो हिम केयर कार्ड का। चंबा के सरकारी अस्पताल में करीब 20 दिन इलाज चला, सफल ऑपरेशन हो गया और इलाज के नाम पर पाई भी खर्च नहीं हुई। ये सिर्फ किशोर की ही कहानी नहीं है, राज्य में लाखों लोग जयराम सरकार की फ्लैगशिप योजना हिम केयर का फायदा उठा चुके हैं। मैं दाखिल हुआ था जी, तो वहाँ मेरे को डॉक्टर ने बताया गया कि तेरा सिटी स्कैन वगैरह होना है, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा हिम केयर है तो अपना कार्ड इश्यू कराओ तो हो जाएगा। तो उसमें मेरा सारा फ्री हो गया था, मेरा कोई पैसा नहीं लगा था। मेरे इधर गर्दन के पास की जो है नस दब गई थी और उसकी वजह से मेरी दोनों टांगे जो है वो दोनों पैरालाइज हो गई थी, मैं बिस्तर में हो गई थी ना। जो ये हिम केयर कार्ड है उसकी वजह से मेरा इलाज भी हुआ, आज मैं अपने पाँव पे खड़ी भी हूँ। मेरे को जी तकलीफ हो गई थी हरने की, मेरे को बोला जी पहली ऑपरेशन होना है, कहाँ से करने थे मैंने इतने पैसे। तो सरकार का धन्यवाद है कि उन्होंने मेरा इलाज फ्री हुआ ये कार्ड की वजह से। इस योजना में बीमारियों के उपचार के लिए 1579 प्रक्रियाएं कवर की जा रही हैं। इनमें डे केयर सर्जरीज भी शामिल हैं। निजी या सरकारी अस्पताल में भर्ती होने पर कैशलेस सेवा प्रदान की जा रही है। हिम केयर का संबल बदला हिमाचल वासियों का जीवन। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका, खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम जयराम ने कहा है कि आकांक्षी जिला चंबा से साइंस म्यूजियम की शुरुआत हुई है। देश में 75 साइंस म्यूजियम बनेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संबोधन के दौरान पंडाल में सांप निकल आया है। सांप को देखते ही विद्यार्थियों में अफरा तफरी मच गई है। वहीं वन विभाग के कर्मचारियों ने कुछ ही पलों में सांप को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपना संबोधन शुरू किया है। चंबा में साइंस म्यूजियम के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि देश में 75 साइंस म्यूजियम बनेंगे। चंबा जिले में पहला साइंस म्यूजियम वाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में खोला गया है। यह ऐतिहासिक विद्यालय वर्ष 1863 में खुला है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि मेरे दुनिया में आने से 102 वर्ष पहले यह बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खुला है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि आकांक्षी जिला चंबा से साइंस म्यूजियम की शुरुआत हुई है और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये पहली शुरुआत हो रही है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और यहां चंबा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आपने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में इस स्कूल का जो चयन किया है, ये स्कूल जो है ये ऐतिहासिक है। स्कूल की शुरुआत जो मुझे बताया गया कि 1861 में हुई थी, 63 में हुई थी, यानी कि हमारे मेरे इस दुनिया में आने से 100 साल से भी ज्यादा, 102 साल पहले।
चंबा में देश के 75 साइंस म्यूजियम बनेंगे, ऐसा सीएम जयराम ठाकुर कहते नजर आए हैं। उन्होंने एक संबोधन को संबोधित कर रहे थे, जहां पर संबोधन को संबोधित करने के दौरान एक सांप निकल आया, जिसके बाद छात्रों में अफरा तफरी मच गई है। वही जिसके बाद मुख्यमंत्री अपने संबोधन को रोक दिया। वही कुछ ही क्षण के बाद, कुछ ही समय के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई, उसके सांप को पकड़कर उसके सुरक्षित जगहों पर छोड़ दिया है। और हिमाचल प्रदेश में चुनाव दहलीज पर आ गया है, जिसकी तैयारी में सभी पार्टियां जुट गई है। वही पर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी उपाध्यक्ष और विधायक विनय कुमार चुनाव निर्वाचन क्षेत्र में श्री रेणुका जी में जनसंपर्क अभियान पंचायत के वार्ड स्तर तक मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं। आपको बता दें कि जहां पर हाटी समुदाय के पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने का निर्णय लिया है, वहीं हर हाटी मंच पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष एवं शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप का आभार व्यक्त कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अनुसूचित जाति गिरी पर अधिकार संरक्षण समिति द्वारा किसको समर्थन दिया जाएगा ये निश्चित नहीं हुआ है। श्री रेणुका जी विधानसभा विधायक विनय कुमार जनसंपर्क अभियान के तहत ग्राम पंचायत देवा मिलन से बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम स्वरूप, विनोद ठाकुर, शुभम और उमा देवी आदि परिवार बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पुरुष हमारे से विकास की बातें करते थे, कहीं सड़क की बातें करते थे, कहीं स्कूल की बातें करते थे, कहीं भवन की बातें करते थे, पर महिला हमेशा एक ही बात करती थी कि आपने हमारे लिए क्या किया। तो हमने सोचा, मैं कहा कि आप फिर हमने पूछा महिलाओं को कि आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो कुछ महिला मंडल ये बोलते थे कि हमारा भवन बना दो, कुछ महिलाएं ऐसा बोलती थी कि हमारे पास बर्तन के लिए पैसे नहीं है, कुछ महिलाएं ऐसी बोलती थी हमारे पास तो बैठाने के लिए दरी भी नहीं है, ना कुर्सी है ना मेज है। तो उसको देखते हुए हमने आपको मैं बता देना चाहता हूँ, पूरे रेणुका चुनाव क्षेत्र में 450 महिला मंडलों को 10,000 देके 45 लाख रुपए मैंने महिलाओं के खाते में डाला। और हिमाचल और